और अपन भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है जो 12th का, उसका फर्स्ट चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट चैप्टर में से क्या थे, ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कोई किसी का भूगोल का जनक पूछ लेता है या व्यवस्थित भूगोल का जियोग्राफी शब्द से अपन ने चर्चा की थी। तो सेकेंड चैप्टर से अपना, वो सेकेंड चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। चैप्टर का जैसा कि नाम चल रहा था अपना जनसंख्या, अपन ने यहाँ भी पढ़ लिया था पहली वीडियो में, इससे बात कि जनसंख्या क्या होती है, वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, इन के बारे में अपनी हल्की हल्की चर्चा कर ली थी। अब जनसंख्या के बारे में अपन ने कुछ विश्व के जो जनसंख्या अपने को पढ़ना था, वह जनसंख्या में अपन ने एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में चर्चा कर ली थी कि एशिया का जनसंख्या घनत्व कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, और उस क्षेत्रफल में कितने परसेंट पूरे दुनिया की या पूरी विश्व की कितने परसेंट आबादी इस एशिया महाद्वीप पर निवासित है या रहती है, इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमने बताया था आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि भी सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसे कि जनसंख्या, कुल जनसंख्या की अपन बात करेंगे, दुनिया में यदि 100% जनसंख्या है तो मैंने आपको बताया था कि कितनी है, 59.7% क्या होती है यहाँ पे जनसंख्या है वर्तमान में, ठीक है। जनसंख्या जैसे कि घनत्व बताया था मैंने आपको, हाँ यहाँ का कितने परसेंट जनसंख्या है इतनी अपन ने चर्चा कर ली थी, मतलब 59.7% एशिया महाद्वीप पर जनसंख्या है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। जी आपने कहाँ पढ़ लिया था, भौगोलिक भूगोल में 11th क्लास में, किस दृष्टि से ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की बात हुई, इसके बाद अपन ने इस पर चर्चा की थी जनसंख्या घनत्व की, चर्चा की थी जनसंख्या घनत्व की। तो घनत्व का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं, अपन ने बात की थी जनसंख्या घनत्व। तो इसका औसत ऑफ जनसंख्या घनत्व कितना है, 148, ये भी अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। 148 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से इसमें क्या रहते हैं व्यक्ति रहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर की अपन गणना करें एशिया में तो कितने व्यक्ति रहते हैं, 148 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, क्योंकि वर्ग का जो घनत्व की डेफिनेशन होती है वो होती यही होती है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों या निवासित व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर पर, प्रति वर्ग मीटर, जो प्रति वर्ग मीटर जितनी व्यक्ति, जैसे कि एक कमरा आपका 10x10 का, उसमें 10 व्यक्ति रह रहे हैं तो उसका जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 10 व्यक्तियों का होगा, एक रह रहा है तो एक व्यक्ति होगा होगा आसमान आ रही होगी। ये अपन ने इसके आपको फैक्ट ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप की अपन चर्चा कर ली थी यहाँ तक अपन ने पहले, यदि आपने नहीं देखा पहले लेक्चर तो उसे देख लीजिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात ये करता है एशिया महाद्वीप में, एशिया तो बड़ा है क्षेत्रफल में भी, जैसे कि मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा, तीन कारण यहाँ से निकल के आए। तो जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या एशिया महाद्वीप किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाएगी, बात होती है कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना एशिया महाद्वीप पूरी ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा रही है एशिया महाद्वीप, मैं आपसे कहूँ कि आस पड़ोस में रहता है इस वाले क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्र इस वाले को बोलेगा पर एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में ऐसा थोड़ी ना कि कहीं एक ही जगह जनसंख्या पाई जाएगी। वितरण का मतलब क्या होता है, जनसंख्या का असामान्य पाया जाना, उसे क्या बोलते हैं पर वितरण, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी ना कि एशिया पे कहीं ना अपन पर्टिकुलर एक ही जगह पे जनसंख्या निभा, ऐसा तो है नहीं है, हर जगह कुछ क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में अलग जनसंख्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अलग है। जैसे कि भारत की अपन देखें तो भारत में दुनिया की 70.5% जनसंख्या रहती है, चाइना की बात करें तो 19.5% जनसंख्या रहती है, भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, ऐसे कुछ आंकड़े आपको याद रखना पड़ेगा। तो बात अपनी क्वेश्चन ये है कि एशिया महाद्वीप पर भी किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन अपना जे है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि दक्षिण पूर्वी एशिया, कौन सा एशिया, दक्षिण द
दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप का जो हिस्सा है या दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश आते हैं उनका मैं यदि आपसे कहूं कि जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा भूगोल में क्या कारण रहे हैं उस भौगोलिक परिस्थिति के या मानव के पाए जाने के यहाँ जनसंख्या ज्यादा निवासित है या जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो ठीक है यहां तक आ गया कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है एशिया की तुलना में, पूरे एशिया ऑल ओवर एशिया की तुलना में। दक्षिण पूर्वी एशिया कहां से गिनेंगे, देखें ये क्या है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, और ये दिशा होती है पूर्वी, और ये होती है आप सब जानते हैं पश्चिम। ठीक है, ये है अपनी भूमध्य रेखा। भारत की स्थिति का यहां है, ये रहा अपना भारत, भारत के ऊपर चाइना है आप जानते हैं, रूस रहेगा। मैप में आप देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि दक्षिण पूर्वी एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, इस गोलार्ध की बात कर रहे हैं अपन, दक्षिण मतलब पहले देखें पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव का नाम बच्चों पहले लिया जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे आप कि पूर्वी दक्षिण या पूर्वी उत्तर, नहीं कहेंगे ऐसा, कहना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और जब दिशाओं की बात करें तो क्या पहले ध्रुवों का नाम लिया जाता है। तो अपन यदि बात करें क्या होता है दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब इस वाले एशिया की बात चल रही है, इस वाले एशिया महाद्वीप में मैंने कहा दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके कारण अपने को जितना पहले समझ चुके हैं, पहले एशिया महाद्वीप पढ़ा था जब भी आपने इसकी चर्चा कर ली थी, थोड़ा हल्का सा पानी से एक मिनट उसमें रिवाइज कर लिया कि अपनी वो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। देखें अब दक्षिण पूर्वी एशिया, यदि मैं आपको नाम गिनाऊं, इंडोनेशिया भी आता है, फिलीपींस भी आएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण में आएगा इंडोनेशिया, लेकिन कुछ हिस्सा इधर पूर्वी में भी जाएगा। फिलीपींस कहूं, भारत के कुछ पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में करूं, दक्षिण पूर्व भारत भी दक्षिण एशिया का हिस्सा है, और यदि जापान की चर्चा करें वो भी दक्षिण पूर्वी एशिया हिस्सा है, कुछ चाइना का भाग भी, लाओस वियतनाम जो कुछ आपने नाम सुने होंगे वो सब किसके हिस्से हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्से। यदि मैं आपसे कहूं कौन कौन से हिस्से आएंगे, तो थाईलैंड आएगा कि नहीं आएगा, फिलीपींस, इंडोनेशिया द्वीप समूह के कुछ भाग, भारत, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर जो है पूरे कहाँ जाएगा अपना, दक्षिण पूर्वी एशिया में जाएगा, वियतनाम, ये सब जो जितने भी मैंने आपको नाम बताए, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब कौन से दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्से हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र हैं। तो इनमें जनसंख्या सबसे ज्यादा पाए जाने का कुछ कारण है, जनसंख्या घनत्व होने का सबसे बड़ा कारण है, क्या परिस्थिति के कारण यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा निवासित है। यदि मैं आपसे कहूं दक्षिण पूर्वी एशिया संसाधनों की दृष्टि से सबसे संपन्न जगह है, सबसे संपन्न भौगोलिक क्षेत्र है, क्या होगा, संसाधनों की दृष्टि से, जी आप ध्यान रखें, पूछा जाता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एशिया महाद्वीप के किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्या कारण है, तो आपको ऑब्जेक्ट में पूछ रहे दक्षिण पूर्वी एशिया तक क्लियर हो जाएगा, एक नंबर में पूछ रहा है, यदि क्या कारण है तो फिर उसको आपको ये चार कारण, तीन चार कारण बताना पड़ेगा कि इस परिस्थितियों के कारण वहां जनसंख्या ज्यादा निवासित है। देखें संसाधनों की दृष्टि से पूरे एशिया महाद्वीप में, दक्षिण पूर्वी जो एशिया महाद्वीप है उसमें संसाधन कैसे होते हैं, अधिक होते हैं या अधिक है, संसाधनों की दृष्टि से कैसा है, संपन्न। यदि पूरे एशिया का जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहा है, या तो समुद्री तेल हो, समुद्री संसाधन हो, या फिर प्राकृतिक संसाधन हो, तो जो संसाधन होते हैं ना वो संसाधन अपने कहां से मिलेंगे, सीधे यदि समुद्रों की बात करें तो समुद्र से अपने प्रशांत महासागर दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है, दक्षिण प्रशांत महासागर, जो प्रशांत महासागर है दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में आता है, तो यदि प्रशांत महासागर संसाधन निकालेंगे समुद्री, वो कौन से क्षेत्र में आएंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया, जब वहां संसाधनों की मात्रा ज्यादा होगी तो आप अंदाजा लगाइए वहां जनसंख्या ज्यादा रही नहीं रही, यदि जहां भौगोलिक, यदि मान लो आपके गांव में रोजगारों की, रोजगार तो आप जानते हैं, यदि गांव में रोजगार कम है और एक आपके गांव के पड़ोस में कोई शहर है, यहां रोजगार के क्या है, यहां रोजगार का अभाव है,
और यहाँ क्या है रोजगार के संसाधन उपलब्ध है, तो व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करेगा? जहाँ उसके लिए रोजगार हो, जहाँ उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें मिलेंगी, होगी कि नहीं? तो वही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कहाँ भाग लेगा? इस गांव से आपके इस शहर में पलायन कर जाएगा। कुछ बातें यहाँ बोलते खाने पीने के संसाधन नहीं है इस वाले क्षेत्र में, जहां उसे आस पड़ोस में संसाधन ज्यादा मिलेंगे, उसकी सुख सुविधाओं की चीजें ज्यादा मिलेंगी, तो वहीं भगेगा कि नहीं? यहाँ से मतलब एशिया में तो है जनसंख्या, लेकिन किसमें? दक्षिण पूर्वी एशिया संसाधनों की दृष्टि से सबसे संपन्न है। अभी एग्जाम्पल लेंगे एक एक, इसलिए कहा जनसंख्या या निवासित करेगी। यहां तक क्वेश्चन आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब यदि मैं आपसे कहूं कि दक्षिण पूर्वी एशिया देखा इतनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ जनसंख्या के लिए जो तो संसाधनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए इंतजाम भी होना चाहिए। खाएगा क्या व्यक्ति? सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है अपनी रोटी कपड़ा मकान। यदि खाने की व्यवस्था इस वाले महाद्वीप पर होगी तो जनसंख्या सी बात टिकेगी वहां पर। तो यदि मैं आपसे कहूँ दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, अब आपका एक क्वेश्चन दिया है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। देखें अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहां है? मनीला में। अब मनीला कहां बसता है? मनीला जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत के कुछ और शहर मुंबई है, अपने मध्य प्रदेश के शहर की बात कर लें, गुना भी एक शहर है आप इसमें रह रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसा ही फिलीपींस की राजधानी जो है वो क्या है? मनीला है। फिलीपींस कहां पड़ता है? अभी मैंने किया था कि फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया का एक राष्ट्र है। फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, उसमें कहा कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। यहाँ जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला हिस्सा है वहां चावल की जो उत्पादन होता है एशिया की तुलना में अधिक होता है, तभी तो वहां चावल अनुसंधान केंद्र खोला है। अनुसंधान केंद्र का मतलब है चावल की उच्च वैरायटी बनाई जाती है, चावल की उच्च नस्लों पर विकास किया जाता है, उच्च नस्लों पर अनुसंधान किए जाते हैं, उससे और अच्छी नस्लें हम प्राप्त कर सकें, तो वहीं खोला जाएगा चावल अनुसंधान केंद्र जहां चावल की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे कि भारत का यदि चावल अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो कटक उड़ीसा शहर में है। कहां है? भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक। कटक कहां, कौन से राज्य में पड़ता है? अपने उड़ीसा राज्य में, ठीक है, होता अपने मध्य प्रदेश के भी बघेलखंड वाले क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ में भी होता है चावल, लेकिन अनुसंधान केंद्र की बात चल रही है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ऐसे ही कहने का मतलब है चावल जो होता है अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में पोषक तत्व अधिक होते हैं उसमें, जल्दी पछता है। यहाँ चावल की मात्रा दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा होता है, इसे चावल के कारण इस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवासित है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट क्लियर है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र होने के कारण या फिर कहें अपन दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में चावल की पैदावार अधिक होती है, इसके कारण जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। चावल अन्य भोज्य पदार्थों से तुलना में कैसा होता है? सरल होता है। यहां तक क्लियर है? अब कुछ और फैक्टों की बात कर लेते हैं, तो दो पॉइंट हो गए, और क्या कारण है? देखिए संसाधन जहां ज्यादा होंगे वहां रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे। देखिए रोजगार के लिए आपको क्या कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, सॉरी जहां आप कुछ पदार्थ कुछ चीजें बना रहे हैं, सॉरी फैक्ट्री वगैरह है, फैक्ट्रियों के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको संसाधनों की आवश्यकता होगी, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। जहां आपको कच्चा माल मिलेगा वहां आप फैक्ट्री अड़ा दोगे। दक्षिण पूर्वी जो एशिया का एक हिस्सा, आदि मैं आपको नाम एग्जाम्पल में लू जापान, जापान दुनिया के अंदर जलयान बनाने में सबसे बड़ा देश,
चलयान जो उपकरण होते हैं वो जापान में बनते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जितने जहाज वगैरह बनते हैं, चाहे वो वायुयान हो या वो जलयान हो, जलयान जितने बनते हैं, कुछ अच्छे अच्छे जितनी वैरायटी होती है, जलयान कौन बनाने वाला देश है? जापान बनाने वाला देश है। तो जापान भी अभी अपन ने क्या बोला था, दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। तो यहाँ क्या है, जब फैक्ट्रियां डलेंगी वहां रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। मतलब कहने का सीधी, कच्चे माल की जो आपूर्ति होगी एशिया महाद्वीप में वो हमें कहां से होती है, दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप से होती है। इसलिए भी यहाँ जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। कच्चे माल की आवश्यकता होगी तो वहां फैक्ट्रियां भी डलेंगी। अब फैक्ट्री डलेंगे तो कच्चा माल होगा, फैक्ट्रियों में उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या ज्यादा है, जो आपको यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि अपन कुछ और इसके पॉइंटों पे चर्चा करें दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में, तो सिंचाई के संसाधन भी ज्यादा है और मिट्टियां उपजाऊ है। यहाँ की जो धरातल है वो कैसी है, उपजे तो अपने बहुत हार्ड वाले थे, जो अपन अपनी भाषा में कुछ सरल दृष्टि में समझने की कोशिश करें, तो यहाँ की जो मृदा होती है, यहाँ की भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है, उपजाऊ ज्यादा है, सिंचाई के संसाधन यहाँ पे ज्यादा है। इसलिए क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक अपना एक क्वेश्चन क्लियर होता है। एशिया महाद्वीप में जो अपने पढ़ना था, एशिया महाद्वीप अपना खत्म होता है। अब दूसरा आदि अपन महाद्वीप उठाएं, या जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है, तो अपन उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये, और एक क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना, पूछा जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या ज्यादा होने के कोई दो कारण बताइए, या फिर एक दो जैसे भी आपका क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। देखिए, अभी मैं आपसे कहूं कि दूसरा महाद्वीप जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है अपने को जनसंख्या पढ़ना है, अफ्रीका महाद्वीप की। अब कुछ अफ्रीका महाद्वीप की आपने 11th में पढ़ा होगा। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अंध महाद्वीप कहा जाता है इसके लिए। ठीक है, शिक्षा में, रोजगार में, संसाधनों की दृष्टि से, संसाधन तो है लेकिन उसका प्रौद्योगिकीकरण नहीं है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका प्रयोग नहीं करते, यानी शिक्षा नहीं है यहाँ पे। इसके कारण जितने भूखे, भुखमरी, रोजगार के साधन सबसे कम है दुनिया में, तो इसी महाद्वीप पर है, अफ्रीका महाद्वीप पर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, ये तो अपन 11th में पढ़ चुके हैं ये दो नाम। अपने को क्या पढ़ना है, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व किस क्रम में दुनिया में आते हैं, उनका वाक्य में जनसंख्या घनत्व के कारण क्या है, कम होने के, ज्यादा होने के, किस भौगोलिक क्षेत्र में उसमें ज्यादा होगी, कम होगी, कि अपने को इसमें देखना है। लेकिन यदि अपन इसकी पूरी दुनिया में जनसंख्या की बात करें, तो यदि पूरी दुनिया में उसमें कितनी थी, 59.7% थी, इसमें पूरी दुनिया में आदि 100% जनसंख्या है, तो इसमें 16.7% जनसंख्या निवास करती है इतने बड़े महाद्वीप पर। क्लियर, अफ्रीका महाद्वीप जो है, उस महाद्वीप पर यदि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर 100 व्यक्ति हैं, तो उनमें से कितने परसेंट व्यक्ति रहते हैं, 16.7% 100% जनसंख्या है पूरी दुनिया की, तो उसमें से 16.7% जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवासित है, या किस महाद्वीप पर रहती है, अफ्रीका महाद्वीप पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है इसका,
यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें देखें जनसंख्या घनत्व की अभी इवन डेफिनेशन बना चुके हैं क्या होता है जनसंख्या जो घनत्व है वो 44 है इसका प्रति वर्ग किलोमीटर ठीक है। यदि पूरे इतनी अफ्रीका महाद्वीप की अपन चर्चा करें तो घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं 44 व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप पर निवासित हैं। इसलिए दुनिया में जनसंख्या के और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यहाँ घनत्व कौन सा महाद्वीप आता है अपना दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप। क्या हम दुनिया के पूरे महाद्वीपों की चर्चा करेंगे यहाँ पर पूरे महाद्वीपों की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगी हम ऐसे कौन कौन से महाद्वीप की जनसंख्या को याद रखें क्या हमें अमेरिका की भी जनसंख्या याद रखना पड़ेगी क्या हमें यूरोप महाद्वीप की भी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी जनसंख्या याद रखना पड़ेगी। हाँ कुछ जनसंख्या हमें याद रखना पड़ेगी जैसे कि पहले नंबर पर कौन सा आता है एशिया महाद्वीप उसमें से क्वेश्चन आता है दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप पर कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है सबसे ज्यादा महाद्वीप पर रहने वाली कौन से भौगोलिक क्षेत्र में ऐसा कुछ क्वेश्चन जो पूछ ले। क्या अफ्रीका में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं अफ्रीका में से सिर्फ ऑब्जेक्ट आ सकते हैं कि एशिया अफ्रीका महाद्वीप दुनिया में कौन से नंबर पर आता है तो आपका जवाब होगा दूसरे नंबर पर आता है कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है तो उसकी जनसंख्या रहती है पूरी दुनिया की 100% जनसंख्या है उसमें 16.7% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप पर निवासित है। पहले उसका जनसंख्या घनत्व कितना है तो जनसंख्या घनत्व है 44 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से प्रति वर्ग किलोमीटर में 44 है उसका औसत जनसंख्या घनत्व। आप अपने वाली अफ्रीका महाद्वीप तो पूछेगा नहीं आपको पूछ सकता है कितनी जनसंख्या पूछ सकता है और जनसंख्या घनत्व पूछ सकता है कितने नंबर पर आता है दूसरे नंबर पर आता है। यदि अपन तीसरे महाद्वीप की बात करें तो तीसरा महाद्वीप आता है अपना यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है अपना यूरोप महाद्वीप। तो आपको सिर्फ तीन ही महाद्वीप याद रखना है पहला कौन सा आया यदि आपसे जनसंख्या घनत्व दो नंबर में क्वेश्चन आया कि जनसंख्या घनत्व ऐसे कोई तीन महाद्वीपों के नाम बताइए जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है क्रम से याद रखना पड़ेगा पहला एशिया आएगा दूसरा यूरोप अफ्रीका आएगा तीसरा यूरोप क्रम। अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो पहला जनसंख्या की दृष्टि से एशिया अफ्रीका और यूरोप बाद तीन ही रखना है क्या अपने को एक और रखना पड़ेगा हाँ एक और रखना पड़ेगा तो वो अपन ने पढ़ा था उस वाले में कि सबसे कम किस महाद्वीप पर जनसंख्या है ये तो ज्यादा वाली बात हो भाई आप किसी महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे कम जनसंख्या भी तो होगी तो वो आता है अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर अपन उसे कहें ओशानिया जो है ऑस्ट्रेलिया ओशानिया वहां महासागर पड़ता है इसलिए अपन उसे पूरा मिला के क्या बोल देते हैं ओशानिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ठीक है सागर है उसके आस पड़ोस में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उस वाले क्षेत्र में न्यूजीलैंड वगैरह को मिला के सबको अपन क्या कर देते महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और सबसे जनसंख्या भी सबसे कम है तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है कितने यदि पूरी दुनिया में 100% जनसंख्या है तो उसका 0.5% जनसंख्या है तो जनसंख्या घनत्व कितना है 5 प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपको याद रखना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम महाद्वीपों के बारे में हमें कितना पढ़ना है बाकी में क्वेश्चन कहां से निकल के आएगा तो एक ही क्वेश्चन निकल के आएगा और वो आता है अपना एशिया महाद्वीप में से जो हमें इसमें काम देंगे तो जो हमें देंगे ऑब्जेक्टों में काम या तो सबसे कम पूछ लेगा या फिर सबसे ज्यादा पूछ लेगा और दो नंबर में अपन से क्वेश्चन पूछेगा तो अपन से पूछ सकता है कि एशिया ऐसे कोई तीन महाद्वीपों के नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वो अभी आप अपन सामने इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं इसको पढ़ चुके हैं तीन आपको महाद्वीप याद रखना है और एक महाद्वीप सबसे कम वाला है।
अब बात जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या सबसे इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित जनसंख्या, पहले ही अपन वितरण को समझे, फिर उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वितरण के लिए, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहले हम वितरण की हल्की सी चर्चा करना है कि वितरण क्या होता है। जनसंख्या तो अपने पता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्ति, जो भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने उन्हें हम जनसंख्या कहेंगे। तो फिर वितरण क्या होता है? देखें, भौगोलिक क्षेत्र तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा होगी, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या कम हो, जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की थी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पूरी जनसंख्या रहने लगी, ऐसा हुआ करो? ये कोई महाद्वीप है, इसमें इधर कुछ नहीं रह रही जनसंख्या, सिर्फ खाड़ी वाले बीच वाले पोर्शन में रहने लगे, ऐसा नहीं। मतलब कहने का क्या निकलेगा, जो जनसंख्या होती है या तो किसी भी महाद्वीप की बात कर ले अपन, उसमें जनसंख्या असमान तरीके से रहती है। जैसे अपन गुना की ही चर्चा करें तो कुछ कॉलोनियां में घनी आबादी है, कुछ विरल भी है, मत है ना कि नहीं, कहीं दूर दूर घर बने हैं किसी जगह पर, और किसी कॉलोनी में देखें अपन तो घर कैसे हैं, बहुत पास पास में बने हैं, सटे हुए बने हैं। तो हम दोनों में क्या अंतर निकाल के ला पाए? तो हमें अंतर निकाल के ला पाए, मतलब जहाँ पास पास में होंगे वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ दूर दूर होंगे जनसंख्या कम होगी। तो मतलब हमें एक अंतर एक समझ में आ रहा है लॉजिक, क्या जनसंख्या कहीं ना कहीं एक स्थिर तो नहीं है? वहां जनसंख्या कुछ अलग थी और यहाँ जनसंख्या को अलग है, मतलब जनसंख्या में कुछ असमानताएं हैं वितरण में। वहां जनसंख्या कुछ अलग वितरित में रह रही है, यहाँ जनसंख्या कुछ अलग में रह रही है। तो ऐसे ही महाद्वीपों पे अपन इसे जोड़े तो कुछ महाद्वीप के भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उन भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा रहती है, और कुछ भौगोलिक क्षेत्र कुछ ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या कम रहती है। कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे भी होंगे इनमें जनसंख्या ना के बराबर रहती होगी। तो हमें इनमें तीनों में अंतर निकाल के क्या लाए कि जनसंख्या का असमान वितरण ही, जनसंख्या का असमान पाया जाना, इसे हम क्या कहेंगे? वितरण। समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या की डेफिनेशन तो समझ गए, वितरण का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या का असमान पाया जाना, उसे ही अपन वितरण बोलते हैं। कि जनसंख्या कहाँ कितनी है, किस भौगोलिक कारण के कारण, भौगोलिक कारण भी रहते हैं जनसंख्या ज्यादा रुकने का, जैसे कि अपन दक्षिण पूर्वी एशिया की अभी चर्चा की। अब इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जनसंख्या को कम और ज्यादा, या जहां ज्यादा रुकी जनसंख्या या कम रुकी, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? यदि मैं आपसे कहूं पहला जो कारक है वो है जलवायु, हाँ। आप देखें जलवायु के कारण कैसे प्रभावित होती है जनसंख्या। पहले हम जलवायु का मतलब समझें कि जलवायु होती क्या है। आपने मौसम के बारे में सुना होगा कि मौसम किसे कहते हैं, और कुछ जलवायु भी सुनी होगी कि इस भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु अधिक है या बेकार है, शुष्क है, उष्ण है, इसके कारण ऐसा होता है, सुना होगा कभी। क्या अभी आपने मौसम और जलवायु का कुछ अंतर जानने की कोशिश की कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है? यदि हल्का सा एक अंतर से बारीकी से अंतर देखें तो देखें जलवायु जो होती है लंबे समय के लिए होती है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक लंबे समय तक पाए जाने वाले उसे बोलेंगे जलवायु। अब अपन ऐसा तो नहीं करते कि आज मौसम ऐसा करते हैं कि आज जलवायु खराब है, यदि आप बारिश होने लगे आज, वैसे बारिश का समय चल रहा है, यदि आपके यहाँ बारिश होने लगे तो आप क्या कहोगे? आज मौसम बहुत सुहाना कहोगे? ऐसा कहते हैं कि कभी यार आज जलवायु बहुत सुहानी, नहीं कहोगे ना? तो उसमें कुछ अंतर है, और उसका जो अंतर है वो है कि जलवायु जो होती है एक लंबे समय तक होती है। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत की जलवायु है मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो आप 11th में पढ़ आ रहे हैं,
ऐसा तो नहीं है कि अपन भारत की जलवायु को कहें कि सुहानी है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। मतलब मौसम जो होता है अल्पकालिक होता है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील तो चेंज ही होती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद होती है। यदि जलवायु परिवर्तित हो गई तो उस महाद्वीप की अर्थव्यवस्था में जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। देखिए मौसम जो होता है वो क्या होता है, जो होता है दीर्घकालीन होता है। जो होता है अल्पकालीन। अब बात क्लियर हो गई होगी कि मौसम जो होता है परिवर्तनशील होता रहता है, लेकिन जलवायु एक निश्चित समय तक टिकती है किसी भौगोलिक क्षेत्र में। उसके बाद यदि जलवायु परिवर्तित होती है तो फिर भौगोलिक क्षेत्र की परिस्थितियां निर्भर करती है जलवायु को प्रभावित करने में। तो अब जलवायु को जनसंख्या किस प्रकार प्रभावित करेगी, जनसंख्या वितरण में जलवायु किस प्रकार सहायक है, देखें आपने पढ़े होंगे इस ग्लोब के ऊपर जो है अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। अब अपन ऊपर जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो आपको यह पता है कि विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा जलवायु उष्ण जलवायु रहती, सबसे ज्यादा गर्म कितने डिग्री तक, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी। 30 डिग्री कहां पर, उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी। वो अपन इसको क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जो आपने 11th पढ़ा है इसको इससे समझाने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं इसका। आपको ये भी पता है कि विश्व जो भूमध्य रेखा है उसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, प्रतिदिन पानी बताया जाता है, इसकी सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। अब इस वाले क्षेत्र को यदि मैं कहूं उसमें कटिबंधीय जलवायु है, अब अपन 30 से 45 चलते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जोन। अब मैं चलो 30 से 45 के बीच में, तो मुझे क्या लगता है उष्ण के बाद गर्मी सी रहती थोड़ी और उपोष्ण हो जाएगी, और इसके ऊपर चलूंगा तो शीतोष्ण हो जाएगी, और इसके ऊपर चलूंगा तो शीतोष्ण क्षेत्र मिल जाएंगे, वो बर्फी क्षेत्र मिल जाएंगे। मतलब यहाँ मुझे जलवायु में कुछ अंतर दिख रहा है। यदि ज्यादा ठंड होगी वहां जलवायु कम टिके, जनसंख्या ज्यादा, जहां ज्यादा ठंड पड़ने लगे जनसंख्या कम होगी ना, वहां सबसे ज्यादा है क्या, ध्रुवीय जनसंख्या है। यहाँ मैं कहूँ कि आपको सबसे ज्यादा ठंड है ध्रुवीय प्रदेश है, इन ध्रुवीय प्रदेशों में जनसंख्या रहने जाती है नहीं आएगी, क्योंकि उसके संसाधनीय चीजें आवश्यक चीजें हैं वो मिलेंगी नहीं। तो ना तो ज्यादा जनसंख्या जलवायु के ऊपर निर्भर करती है, यदि जलवायु सम होगी जिन भौगोलिक क्षेत्रों में उनके अनुकूल होगी जनसंख्या के, तो वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। जिन भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु जनसंख्या के अनुकूल नहीं होगी वहां भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होगी, कम पाई जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ गर्मी है क्षेत्र में नॉर्मल, ऐसे भारत की में नॉर्मल वो रहती जलवायु, यहाँ जनसंख्या ही ज्यादा है। चाइना है लेकिन दूसरे नंबर पर बैठे हैं चाइना जनसंख्या में। तो मतलब कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण में हमें जलवायु एक कारक के रूप में निकल के आया। जिन भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु जनसंख्या की अनुकूल होगी वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी, जिन भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी या अनुकूल नहीं रहेगी उन भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाएगी, ठीक है। और इससे आगे अपन आगे वाली चीजों में देखें, ये वाला क्वेश्चन अपन आगे कंप्लीट करें।